क्लासेज अपनी पॉलिटी का प्रॉपर शुरू करने से पहले मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि ये दो तीन वीडियोस पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके, ठीक है। आरएएस प्री का हमने बात कर लिया था कल, आरएएस प्री का पूरा समझ में आ गया, कल कोई इशू तो नहीं है आपके दिमाग में? दिमाग में सारा क्लियर हो गया, आरएएस प्री क्लियर किया जा सकता है बहुत आसानी से, समझ में आ गया सभी के? आरएएस प्री में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी तकलीफ आएगी, अगर थोड़ी सी भी मेहनत करे ना और स्ट्रेटेजी के साथ काम करे तो आरएएस प्री निकाला जा सकता है। असली जो चैलेंज आता है वो किस में आता है? आरएएस प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 20,000 जो लोग आते हैं ना, वो 20,000 वही लोग होते हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ थोड़ी सी मेहनत करते हैं प्री एग्जाम निकल सकता है। 20,000 बड़ी संख्या होती है, 20,000 छोटी संख्या नहीं होती। छोटी संख्या तो 700, 800, 1000 में सिलेक्शन लेना है, वहाँ टफ चैलेंज आएगा। असली जो चैलेंज है आरएएस एग्जाम का वो कौन सा है? चैलेंज 4 पेपर देने हैं, 2 दिन में देने हैं, ये भी पता है? 2 दिन में 4 पेपर होते हैं, 9 से 12 फिर 2 से 5, यही होता है। एक दिन में 2 एग्जाम हो गए, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड एक दिन में, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ दूसरे दिन में होंगे। चारों पेपर को मतलब इतनी तैयारी रखनी पड़ती है कि लास्ट के 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट के 2-3 दिन अगर रिवाइजन नहीं कर पाए ना तो कई बार बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाती। मतलब आपकी तैयारी के दौरान आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी आना चाहिए। मैंने बनाए थे अपनी तैयारी के दौरान, लास्ट के 2 दिन में मैंने 4 पेपर रिवाइज भी किए थे। वो बहुत काम आता है, बहुत काम आता है वो लास्ट में, है ना। इस पर मैं बताऊंगा, मेरे नोट्स भी बताऊंगा, सारी चीज़ें और भी शेयर करूंगा आपके साथ, सारी की सारी बहुत काम आता है, उस पर बात करेंगे। मेंस एग्ज़ाम सबसे चैलेंजिंग है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। इसमें आप जितने मार्क्स लेकर आओगे यही आपकी रैंक तय करेगा। इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आपके मेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे हैं, मेंस एग्ज़ाम अगर आपका बहुत अच्छा हुआ ना, तो क्योंकि इंटरव्यू अपने हाथ में नहीं है, इस बात को याद रख लो कि इंटरव्यू अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। मेंस एग्जाम अपने हाथ में है कि मेंस एग्जाम में हम कितना अच्छा कर सकते हैं। इंटरव्यू में देखो, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा भी जाए, आपको लगता है कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा, इसके बावजूद भी नंबर कम आ सकते हैं, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम फिर भी बहुत हद तक आपके हाथ में है। आरपीएससी में उनको कॉपीज देनी पड़ती है, वापस आपको कॉपी देंगे, कहीं कोई गड़बड़ भी हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मेंस एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप आरएएस के लिए आए हो तो असली जो अपना खेल है सारा किस में होगा? मेंस एग्जाम में। अब मेंस एग्जाम आप जो आप लिख रहे हैं उस पर हम आज बात करने वाले हैं। मेंस एग्जाम का पूरा सीन आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैंने यहां पर लिखा है आरएएस मेंस एग्जाम। मैंने ये आगे जो मैं बताऊंगा वो 2021 का पैटर्न मैंने लिखा है। क्वेश्चंस वाइज 200 नंबर के पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, टोटल कितने नंबर का होता है? 800 नंबर। और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। 900 में से आपकी मेरिट बनती है टोटल, ठीक है। 900 में से आपके जितने नंबर आते हैं उससे आपकी रैंक तय होती है। रैंक के आधार पर, रैंक में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज, यहाँ पर नहीं कि जिसकी टॉप रैंक होगी उसको एसडीएम मिलेगा, लास्ट वाले रैंक को भी एसडीएम मिल सकता है। मैं भी बताऊंगा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, उस पर मुझे एक अलग वीडियो और बनाना पड़ेगा, वो आपकी अनुमति के साथ बनाऊंगा मैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक पेपर कितने का होता है? 3 घंटे का होता है। एक दिन में 2 पेपर होंगे जब एग्जाम होंगे, और 2 दिन में आपके 4 पेपर खत्म हो जाएंगे। इसके लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि मेरे साथ 2016 में हुआ था कि पहले पेपर दे दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा पेपर तक देते देते हालत खराब हो गई थी। पूरा पेपर मैंने सर पकड़ कर दिया था, फोर्थ पेपर जो लिखा था इतना भयंकर सर दर्द कर रहा था। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता, क्योंकि मैं 2016 में एक भी टेस्ट लिखा नहीं था, इस तरह का प्रिपेयर ही नहीं था। मतलब लिखना ही, वहाँ पर सोचने का समय नहीं मिलता है ना। आरएएस मेंस में आपकी तैयारी इतनी हो जानी चाहिए कि आपको जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं वो पहले ही आप सब कुछ लिख चुके हैं। आपके पास सिर्फ इतना सा टाइम मिलता है कि जो सारे सवाल लिखे हैं उसको छाप कर आना है, सोचने का समय नहीं मिलता है। हमारी तैयारी मेंस में क्या, जब क्वेश्चन नहीं आता है ना तो सोचना पड़ता है कि इसमें आंसर कैसे लिखें, फ्रेमिंग कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, मिडिल कैसे लिखें और उसका कंक्लूजन कैसे लिखें, ये सोचना पड़ता है। लेकिन जब आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि सोचने की जरूरत नहीं है, फ्रेमिंग पहले से तैयार है, तभी आप मेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर वहां जाकर सोचोगे, वहां सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए अपनी? प्रिपरेशन ऐसी होती होनी चाहिए कि जो पेपर वहां पर आया है वो पहले से ही मैं लिख चुका हूं, सारे सवाल पहले से ही मुझे सारा आता है। आपको टाइम सिर्फ कितना मिलेगा? सिर्फ जो आता है उसको लिखने का टाइम मिलता है, सोचने का टाइम वहां पर नहीं मिलता। फ्रेमिंग पूरी, जैसे कोई सवाल देगा उसकी फ्रेमिंग पूरी सेट होनी चाहिए कि किस जगह कौन सा वर्ड्स, कौन सी लाइन रखनी है। इस लेवल की जब तैयारी होगी तो मेंस में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। मेरे 2 अटेम्प्ट में ऐसी तैयारी नहीं थी सोच सोच के। मतलब 2016 वाले में मेरी 709 रैंक थी, ठीक है।
उसमें मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली थी, 725 टोटल पोस्ट थी मेरी, 709 रैंक थी उसमें। वहाँ पर मैं 70% पेपर ही करके आया था, 30% हर बार लगभग लगभग हर पेपर में छोड़ के आया, जो सवाल नहीं आता था मैंने लगा छोड़ दूँ, क्योंकि छोड़ने से टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो बाकी जो आते हैं उनको तो अच्छे से करेंगे। आप जब पेपर ही 70% करके आ रहे हैं, और जब मार्किंग होती है तो आपको पता है 50% मार्क्स ही मिलते हैं, 35% मार्क्स में अच्छी रैंक आपको नहीं मिलती है, 100% पेपर लिख के आना पड़ता है ना। तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, पेपर 100% कैसे करें। 100% का मतलब है कि 10 नंबर का एक सवाल भी नहीं छूटना चाहिए, 5 नंबर का भी नहीं छूटना चाहिए, 2 नंबर का फैक्चुअल आता है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, वो कोई फैक्चुअल नहीं आ रहा तो वो छोड़ सकते हैं। चलो बात करते हैं, 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 में क्या क्या आता है, 3 यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। पहला जो यूनिट है उसमें क्या आता है, इतिहास, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगा, इंडियन हिस्ट्री भी आएगा और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर भी शामिल है, ये 3। कितने नंबर का आता है, 75 नंबर का आता है। लास्ट तक विजिबल है, लास्ट तक दिख रहा है सभी को। दूसरा पार्ट कौन सा आता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आता है, कितने नंबर का आता है, 65 मार्क्स का। तीसरी यूनिट आते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, समाजशास्त्र 20 नंबर का, प्रबंधन आता है मैनेजमेंट कितने नंबर का, 20 नंबर का, ये लेखांकन ऑडिटिंग एंड जो लेखांकन और अंकेक्षण है, ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये भी कितने नंबर का आता है, ये भी 20 नंबर का आता है, क्लियर है। उसके बाद आता है पेपर 2 पर एथिक्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, प्रशासकीय नीति शास्त्र, कितने का आता है, 65 नंबर का। उसके बाद है साइंस एंड टेक, है ना, यहाँ पर विज्ञान और टेक, मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा, मैं एनालिसिस बहुत अच्छा करता हूँ, पूरी रिसर्च करके आता हूँ, ठीक है, अभी बहुत आगे देखने को मिला मेरी रिसर्च, अभी आपको देखने को मिलेगी, है ना, इस लेवल की रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। विज्ञान कितने नंबर की है, 70 नंबर की यहाँ पर विज्ञान आपको मिलने वाली है। और भूगोल आती है वो कितने नंबर का, ये पेपर, इस पर आप, ये मैं आपको बाद में, अपना एक ग्रुप बनेगा जो भी यहाँ पर एडमिशन है उनका ग्रुप बनेगा, मैं PDF वहाँ पर शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। इसमें इस पेपर पर हम इम्पोर्टेंट लगा देना, पेपर में जो मार्क्स आपको मार्क्स मिलेंगे, ये अगर ये आपका कमज़ोर रह गया सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इस पेपर में स्कोरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिनके बहुत अच्छे होते हैं कि शुरू से इन्हीं सब्जेक्ट में, तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो इन पेपर में बहुत 100+ कर पाते हैं। इस पेपर में 100+ करना मुश्किल है, लेकिन इसमें बहुत आसान है, है ना। किसी को विज्ञान देख कर डर लग रहा होगा अगर जो विज्ञान बैकग्राउंड से नहीं, लेकिन अगर विज्ञान कोई बहुत मुश्किल नहीं, वो जनरल साइंस की तरह ही आता, किया जा सकता है। अगर आप GK पढ़ने के लिए तैयार है तो जनरल साइंस भी आराम से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ये पेपर ऐसा है, इसमें मार्क्स कम कटते हैं, यहाँ पर काम मार्क्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, 10 में से 5-6 बहुत मुश्किल से मिलते हैं, यहाँ आसानी से मिल सकते हैं, इसलिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें जो मेरिट बनाएगा ना, इसमें इस पेपर की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद पेपर 3 मेरा बताऊंगा, अभी मार्कशीट बताऊंगा, ये मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटी यहाँ पर, ठीक है। पॉलिटी और IR दोनों मिलाकर कितने नंबर का आता है, 75 नंबर का। लोक प्रशासन जो दूसरी यूनिट, लोक प्रशासन 65 नंबर का आता है। उसके बाद वापस 3 पार्ट हो गए, खेल योग 20 नंबर का, व्यवहार और विधि दोनों 20-20 नंबर का हो गया, ओके 200 नंबर का। और पेपर 4, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप तो वहाँ इंपॉर्टेंट लगाए थे, यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, कोई इसको हल्के में ले रहा है तो बड़ी गलती कर रहा है। किसी को लगता है कि हिंदी तो आती है, हिंदी ये मतलब ये छोटी छोटी मैंने गलतियाँ, मैंने कहा ना आपका पेपर मुश्किल कैसे हो जाता है, पेपर मुश्किल इस तरह से हो जाता है कि हम चीज़ों को समझ भी नहीं पाते, स्ट्रेटेजी गलत होती है हमारी। हिंदी मेरे लिए, मेरी हिंदी हमेशा से अच्छी रही है, मैं मात्रा की एक सिंगल मिस्टेक नहीं करता हूँ, यहाँ कोई भी करता है तो हमारे स्टाफ में मैंने उनको सीधा टोकता हूँ भी ये मात्रा गलत लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती ऊ की और बड़े ऊ की और छोटे ऊ की मात्रा, कहाँ बड़ा ऊ की लगेगी कहाँ छोटा कही होगी, बड़ी सब दिक्कत है, किसी छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, ये बड़ी दिक्कत रहती है, 4 मिस्टेक होती है ना, फर्क पड़ता है। अगर आप RS जैसे एग्जाम में जा रहे हो और वहाँ पर मात्रा गलत लिखी, कोई मेरा जैसा टीचर चेक करने वाला आ गया ना, तो नंबर भी एक पेपर में 10 नंबर का फर्क आ जाएगा और 4 पेपर में 40 नंबर का फर्क आ जाएगा और बाहर हो जाओगे। 40 नंबर का ही खेल है सारा, जो खेल है वो कितने नंबर का है, 40 नंबर का ही खेल है। 40 नंबर जिसके ज़्यादा है वो टॉप रैंक में आएगा, 40 नंबर जिसके कम है वो बाहर हो जाएगा, है ना। तो आपको ये भी सुधारना है धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पर एक समस्या रहती है, टीचर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन टीचर भी मात्राओं की गलतियाँ करते हैं, ये स्कूल्स में बेसिक्स में होता है। मैं टीचर को भी कहता रहता हूँ कि नहीं, मात्राओं की मिस्टेक नहीं रखनी अपने को, है ना, अपन मात्रा की मिस्टेक रखेंगे हो सकता है, ठीक है। आपको भी कभी कभी लेके सर थोड़े से मात्रा में मिस्टेक है बोल सकते हो, किसी भी टीचर को बोल सकते हो सर ये मात्रा में मिस्टेक है, वो भी अपने लिए अभ्यास करेंगे, होते हैं। मैंने ऐसा देखा, बहुत अच्छे टीचर है साइंस के टीचर, अब साइंस वाले कहकर सर मुझे क्या करना मात्रा से, बच्चे समझ जाएंगे, पर आप बोल सकते हो सर मात्रा में थोड़ा सा मिस्टेक है, सही करेंगे वो। हिंदी कितने नंबर की आती है, 120 नंबर की आती है। आप देखो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, कोई 120 नंबर का पेपर है क्या इसमें, कोई भी नहीं है, जबकि हिंदी बहुत आसान है, लेकिन गलती ये करते हैं इसको बहुत आसान मानकर इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत आसान है इसका मतलब इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं,
इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको मार्कशीट बताऊंगा। इस बार सबसे टॉप मार्क्स कितने आए थे? ज़्यादा अवेयर नहीं है, अभी बताता हूँ मैं सारी चीज़ें। 147, 148 है ना? हाँ, 148 मार्क्स में हाईएस्ट आई। ये मैंने भी पहली बार देखे और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी। मैंने सोचा भी नहीं कि इतना आ सकते हैं। ये थोड़ी आश्चर्य की बात थी कि 148 फोर्थ पेपर में लाना, पर लाए जा सकते हैं, उन्होंने लाए हैं तो लाए जा सकते हैं। 147 भी आए थे, है ना? 147 मार्क्स भी थे और भी मार्क्स इस तरह से आए हैं। इंग्लिश कितने नंबर की? 80 नंबर की। यहाँ बात ध्यान रखना, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और इंग्लिश कमज़ोर है तो भी नुकसान में हो। आप सोचो कि इस पेपर में आपका जो हिंदी में सारे जो नंबर कमाए हुए हैं ना, सारा वो गवा सकता है ये वाला। आपकी सारी मेहनत पर पानी कौन फेर सकता है? इंग्लिश वाला फेर सकता है। जिसके ये दोनों अच्छी हैं वो टॉप रैंक में आएगा। जिसकी हिंदी भी अच्छी है, जिसकी इंग्लिश भी अच्छी है, वो टॉप रैंक में आएगा। आपकी हिंदी बहुत अच्छी हुई, बाकी पे सामान्य पकड़े, हिंदी बहुत अच्छी लेकिन इंग्लिश कमज़ोर है, आप बाकी सबके नंबर बराबर होते हुए भी इंग्लिश आपको पीछे खींच लेगा। ठीक है, मेरे 2016 में 82 मार्क्स आए थे 120 में से। लोगों के सिर्फ पेपर फोर में, पूरे पेपर फोर में 82 ही आते हैं, 82, 85, 200 में से, है ना? एक सामान्य रैंक में भी आते हैं। कई लोगों के इस बार भी है जो सेलेक्ट है, लेकिन पेपर फोर में 80 से 90 नंबर के बीच में। मेरे सिर्फ हिंदी 120 में से 82 नंबर आए थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे। 50 व्याकरण में 50 में से 45 नंबर आए थे, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मतलब 50 में से 45 नंबर, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है वहाँ पर लिखना है। वहाँ पर मेरा आधा नंबर सिर्फ एक इसलिए कटा कि मैंने है ऐसे लिख दिया, जबकि वहाँ पर बिंदी लगानी थी, वहाँ पर भी आधा नंबर कट जाता है ना? वो क्योंकि वाक्य शुद्धि वाला ही था। ये पता है ना, ये है कहाँ लिखा जाता है और ये कहाँ लिखा जाता है? इन दोनों है और इस है में भी अंतर है, है ना? ये बहुवचन के लिए यूज़ होता है, ये एक वचन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पर भी इसमें भी आधा नंबर कट जाता है, तो वहाँ पर 50 में से 45 नंबर लाना एक चैलेंजिंग होता है। हालांकि कई लोगों ने जो टॉप में थे 48 नंबर तक भी आए थे 50 में से 48, पर इंग्लिश में मेरे सिर्फ 25 मार्क्स आए थे। इंग्लिश में नंबर कितने रहे? 25 मार्क्स। जो हिंदी में मेहनत थी वो सारी किसने डुबो दी? इंग्लिश में टोटल नंबर मेरे पिछली बार इसमें 107 नंबर थे मेरे, है ना? अगर पिछली बार भी ऐसा होता कि मेरे 10 नंबर या 15 नंबर भी इंग्लिश में ज़्यादा होते तो पिछली बार भी इससे ज़्यादा अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो सकता था एक पेपर ने। इस बार इंग्लिश में ठीक थे। ठीक है, तो दोनों ही पेपर को आपको अच्छा करना, ये मत सोचना कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। देखो, आप एक धारणा बनाकर बैठते हैं, अधिकांश चीज़ें हम कैसे लोग हैं, हमारी अभी तक की पर्सनैलिटी कैसी है, अभी तक हमारा नॉलेज कैसा है, जैसी हमारी धारणा थी वैसे हम हैं। आप जिन लोगों को डर लगता है मैथ्स में, उनकी मैथ्स अभी भी कमज़ोर है। जिन लोगों को डर लगता है इंग्लिश से, उनकी इंग्लिश अभी भी कमज़ोर है। ठीक है ना, डर ने कमज़ोर बनाया। इंग्लिश मुश्किल नहीं, एक के लिए मुश्किल आ रही है, एक के लिए आसान हो रही है। मतलब इंग्लिश तो इंग्लिश जैसी है ना, इंग्लिश तो एक ही थी, एक के लिए आसान एक के लिए मुश्किल कैसी है? तो वो बनाया ना, वो हम लोगों ने ही बनाया, हमारी धारणाओं ने ही बनाया, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप अगर सीखने के लिए आओगे तो इंग्लिश भी सीख जाओगे। इस पेपर पर बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। ये गलतफहमी मत रहना कि हिंदी अच्छी कर लेंगे इंग्लिश तो वैसे ही कमज़ोर है। इंग्लिश कमज़ोर है तो उसको अच्छा बनाना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। पीछे की रैंक भी आ जाएगी कोई मतलब नहीं है, 2 साल 2.5 साल 3 साल खराब होंगे और वह ज़्यादा काम की नहीं है, या फिर 5 नंबर भी आपको रैंक लिस्ट से बाहर कर देगा। हिंदी को भी अच्छा करना पड़ेगा और इंग्लिश को भी अच्छा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चारों पेपर के सीन क्लियर है? जो बिल्कुल नए कैंडिडेट है, जिनको मेंस दिया उनको मेरे ख्याल से ये पहले से क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। ये आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, बाकी बाद में मैं PDF शेयर कर दूंगा। पैटर्न कैसा आता है, स्कीम कैसी आती है, ये RPSC की साइट पर भी मिल जाएगा, मैंने अलग से लिख दिया। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 लिखा, ये 200 नंबर के एक जैसा सीक्वेंस चलता है। पेपर 4 का थोड़ा सिस्टम अलग है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। 2 मार्क्स सवाल अपने कैसे आते हैं, 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स, यही पैटर्न है। UPSC का थोड़ा अलग पैटर्न है। यहाँ पर आप लोग कोई सोच रहे हैं, आप लोग कोई सोच रहे हैं कि प्री एग्ज़ाम की अलग तैयारी होती है, मेंस एग्ज़ाम की अलग तैयारी होती है, कुछ नहीं है। मेंस एग्ज़ाम में थोड़ी सी राइटिंग स्किल पर काम करना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ना प्री जैसा ही पड़ेगा आपको। RAS में अभी भी बहुत ज़्यादा जो आपको लिखना होता है वो फैक्चुअली होता है। 2 नंबर का जो है वो पूरा फैक्चुअल है। 5 नंबर भी आप तब लिख पाओगे जब आपके पास फैक्ट्स है, केवल हवा में बातें करोगे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। 10 नंबर भी आप तभी लिख पाओगे जब आपको कुछ फैक्ट्स याद है। तो जो आप प्री की तैयारी कर रहे हो, इसको भी आप ये मत लेना कि चलो क्वालिफाइंग करना है। प्री की तैयारी भी ऐसे करना कि वहाँ मेंस लिखने में वो बहुत इंपॉर्टेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ राइटिंग स्किल काम नहीं आती, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास फैक्ट्स भी होने चाहिए, वो फैक्ट्स आपको मदद करेंगे। यहाँ पर सवाल ही 2 नंबर के 5 नंबर के बहुत आते हैं, ये
असली जो देखो यहाँ 10 में से 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर मिलते हैं, लेकिन यहाँ मतलब कि यहाँ 50% 60% 70% मार्क्स मिलने की संभावना है, लेकिन ये जो नंबर है ना ये आप 100 दो में से दो, दो में से दो, दो में से दो मिलते हैं, जिनके दो में से दो, दो में से दो फैक्ट्स जिनके अच्छे हैं वो यहाँ पर पूरे नंबर ला सकते हैं। यहाँ जिन्होंने फैक्ट्स सीधे लिख लिए यानी कि ये स्कोरिंग हो सकता है, ये वाला जो पोर्शन है ना वो स्कोरिंग हो सकता है। अब देखो यहाँ पर पेपर फर्स्ट की बात करें तो कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 25, यानी 50 नंबर का यहाँ पर सिर्फ दो नंबर का खेल है। और यहाँ ऐसा है कि अगर आपके फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्री की तैयारी बहुत अच्छी है, तो यह आपको 50 में से 50 मार्क्स, 50 में से 50 नहीं तो 40 नाम 40 मार्क्स आसानी से दिला सकते हैं। यानी 40 की अगर भी बात करें तो 80% मार्क्स, 400 नंबर 400 प्लस अगर आप कर ले तो, अभी मैं आपको सारी मार्कशीट बताता हूँ, ठीक है, मेंस में अगर आप 400 प्लस कर लेते हो तो बहुत अच्छी संभावना है कि आप टॉप 50 रैंक के अंदर आ जाओगे। ये अकेला ये पोर्शन ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी दिला सकता है, दो में से दो नंबर मिलते हैं अगर आपने फैक्ट्स वगैरह सही लिखे, चार पॉइंट पूछे चार पॉइंट लिख दे, चाहे दो में से दो पूरा देगा। 100 मार्क्स दिलाने वाला कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। इसके लिए आपको प्री की तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, फैक्चुअल बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो कोई ये सोच रहा कि मुझे तो केवल मेंस का करना है, प्री वाला तो क्वालिफाई करना है, वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये 25 सवाल आने वाले हैं 50 नंबर के, पाँच नंबर के कितना आएंगे, 16 क्वेश्चन है, यही पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, यही इसी तरह से आने वाला है। और 10 नंबर कितने आएंगे पूरे पेपर के, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और बाकी सब मिलाकर ये आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट जिसमें समाजशास्त्र है, ऑडिटिंग है, वहाँ 10-10 नंबर के सवाल नहीं आते, इसलिए यहाँ पर 10 नंबर के कम है। और यहाँ पर भी ये 10 नंबर के सवाल नहीं आते, यहाँ पर 10-10 नंबर के सवाल ज़्यादा रहते हैं, इसमें वो इस तरह का छोटे छोटे पार्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पर पेपर टू में दो नंबर के सवाल कितने आते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर 10 क्वेश्चन। हालांकि आप देखो ये साइंस जब पूछेंगे ना तो वो भी दो दो नंबर, साइंस में आप 2016 2018 का भी देखिए, 2021 का भी देखिए, 10 नंबर के सवाल को भी उसने वापस तीन पार्ट में बांट दिया। तीन पार्ट में बांटने का मतलब यहाँ पर भी वो छोटे सवाल ही पूछ रहा है, 10 नंबर का दे रहा है लेकिन दो दो नंबर के सवाल यहाँ पर भी उसने डाल दिए हैं, ठीक है। तो भले ही यहाँ पर दो नंबर कम दिख रहे हैं और 10 नंबर के ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने बांटा उसी तरीके से। और वापस पेपर थर्ड का 25-16-7 ये आ रहा है, ये पेपर की स्कीम होती है, दो नंबर के सवाल कितने आएंगे, पाँच नंबर के कितने आएंगे और आपके यहाँ पर 10 नंबर के कितने आते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको 2021 का थोड़ा सा एक एनालिसिस दे रहा हूँ, अभी जो 2021 का मेंस एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस बता रहा हूँ। ये एनालिसिस बहुत काम आता है आपकी तैयारी से ज़्यादा, आपकी तैयारी को मान के चलो कि ये 200% एफिशिएंट बना सकता है, मतलब आपकी तैयारी बाकी लोगों से दोगुनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है, है ना। तो मैं शुरू करने से पहले मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से तैयारी करनी है। आप पता चले कि आपने दो नंबर की आपने अच्छी तैयारी नहीं की या फिर 10 नंबर की अच्छी तैयारी नहीं की, आप एक सेक्शन पर ज़्यादा चले गए, आप एग्जाम में सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये सारे की सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो रही है सबके, कोई इशू प्रेजेंट है यहाँ पर सभी, मेंटली रूप से सभी है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं ये 2021 का मैंने एनालिसिस लिखा है, समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सारा गणित दिख रही होगी लेकिन अभी सारा समझ में आ जाएगा। 75 नंबर का था इतिहास का पेपर, इस इतिहास को मैंने तीन हिस्सों में बांट दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया और राजस्थान। ये एक फिक्स ट्रेंड नहीं है, मैंने कहा ना कि प्री का फिक्स ट्रेंड चलता है, ये ट्रेंड थोड़ा फिक्स नहीं है कि हमेशा यहाँ लगभग 17 के आसपास, ये काफ़ी चेंज होता रहता है, इसमें वेरिएशन आ सकते हैं। तो इसको ये फिक्स मान के मत चलना कि मुझे विश्व में इतने ही पढ़ना है, भारत को ज़्यादा पढ़ना है, ये ट्रेंड चेंज होता रहता है, इसमें चेंज आ सकता है, ठीक है। मैंने 2018 वाला इस तरह का एनालिसिस कर रखा है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा, थोड़ा सा फ़र्क आएगा इसमें। तो इसको हम फिक्स ट्रेंड नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी 2021 की नॉलेज मैं आपको देने के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो दो नंबर का एक सवाल आया, एक पाँच नंबर का आया, एक 10 नंबर का आया, कितने नंबर का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का ट्रेंड लगभग लगभग आपको यही मिलेगा, एक दो नंबर का पूछेगा, एक पाँच नंबर का पूछेगा, एक 10 नंबर का पूछेगा, टोटल 17। वर्ल्ड हिस्ट्री का ट्रेंड लगभग लगभग 2016-18-21 यही चल रहा है। इंडियन हिस्ट्री से बात करते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कभी ये ज़्यादा हो जाता है, कभी ये कम हो सकता है। दो नंबर के कितने सवाल आए थे, पाँच नंबर के और 10 नंबर के, टोटल कितने नंबर के आई, 31 नंबर का। यहाँ पर राजस्थान की बात करें, राजस्थान हिस्ट्री दो नंबर का एक सवाल, पाँच नंबर के तीन सवाल, 10 नंबर का एक सवाल, टोटल कितने हो गए, 27। यानी कि तीनों पार्ट से 10 नंबर के, पाँच नंबर के और दो नंबर के पूछे जाते हैं, तीनों पार्ट में इस तरह से आपको तैयारी करके चलनी है। इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी भी ध्यान रखना, इकोनॉमी में ट्रेडिशनल इकोनॉमी बहुत कम पूछी जाती है, मेंस में भी ज़्यादातर इकोनॉमी पूछी जाएगी। वो कैसी पूछी जाएगी, करंट बेस्ड पूछी जाएगी, करंट बेस्ड आपको इकोनॉमी बहुत अच्छी करके जानी है, वही वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और
राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी मैक्सिमम जो है पूरा का पूरा आर्थिक समीक्षा बेस्ड ही आती है। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है इसको अच्छे से पढ़ लोगे, ये 34 नंबर की यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा पार्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत कम आई, 10 नंबर का तो सवाल ही नहीं था, 2 नंबर का था और 5 नंबर का था। कुछ एक सवाल आपको ऐसे लगेंगे कि ये थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमी से भी जुड़ सकता है, मतलब दो सवालों को मिक्स करके एक सवाल बनाया गया है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ते हुए राजस्थान से पूछ लिया या फिर इंडिया से पूछ लिया, ऐसा मिक्स हो सकता है थोड़ा सा। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 2 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर का एक सवाल और टोटल 24 नंबर। यहाँ पर देखो 2 नंबर के 2 सवाल, 5 नंबर के 2 और 10 नंबर के कितने सवाल आए, 2 सवाल आए, इसलिए राजस्थान इकोनॉमी कितनी हो गई। ये इंटरचेंजेबल है, ये तीनों में इंटरचेंज हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमी जरूरी नहीं कि हर बार 7 नंबर की आए, ये 10 नंबर एक सवाल जोड़ते कितने नंबर का हो जाएगा, 17 नंबर की इकोनॉमी हो सकती है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। और राजस्थान में और इनमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, फिर इसमें भी एडजस्ट होगा। तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे या तीनों ही आपको अच्छा करके जाना है, तीनों ही आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना पार्ट नहीं रहता जितना इतना रहता है, लेकिन यहाँ पर तीनों का बराबर बराबर पोर्शन आ सकता है और तीनों लगभग लगभग एक जैसी लगेगी आपको। वर्ल्ड इकोनॉमी ज़्यादा आसान लगेगी और इनका तो फिक्स पैटर्न ही, इसमें कोई ऐसा विशेष बताने वाला नहीं है। 2 नंबर के 5 सवाल आते हैं और 5 नंबर के, तीनों में यही पैटर्न होता है, कितने नंबर होते हैं, 20-20 नंबर का होता है। ये पोर्शन भी ऐसे है जिसमें थोड़ा सा नंबर कटौती होती है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हम एक बहुत अच्छे टीचर्स को प्रबंधन लेखांकन ये विधि, ये बहुत अच्छे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी आपको नाम क्लियर नहीं करूँगा, ये ऑफिशियल क्लास चल रही है, अनऑफिशियल मैं आपको जरूर उसके बारे में बता दूंगा। ये आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी आपको बहुत अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया सारा पेपर फर्स्ट, ये मैं 2021 का एनालिसिस बता रहा हूँ, फिर से ध्यान देना, ये ट्रेंड फिक्स नहीं है, आप पूरा ट्रेंड इसको ये मत मान लेगा अगली बार भी सेम इसी ट्रेंड पर आएगा, ये चेंजेबल है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर टू, इस पर आपने, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट लगाना है, क्योंकि इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। भूगोल ऐसा विषय है जहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना, मुझे इस बार भूगोल में हर बार, पिछली बार तो ऐसा हुआ 10 में से 2 नंबर मिले, इस बार 10 में से 8 नंबर भी मिले, ठीक है। आपने अच्छे से मैप बना लिया और अच्छे से इसको मैप बनाने के, ये ऐसी संभावना कि हर सवाल में मैप बन सकता है, मैंने इस बार हर सवाल में मैप बनाया था और उसके सीधे नंबर आपके बढ़ जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स इसमें लाए जा सकते हैं। ये ऐसा विषय है, साइंस एंड टेक भी ऐसा विषय है जहाँ पर बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। इसकी वजह से अगर आपकी साइंस और टेक कमजोर हुई तो सीधा ये पेपर डाउन जाएगा, और साइंस टेक भी आपकी अच्छी हुई तो सीधा पेपर ऊपर चला जाएगा और ये आपकी रैंक बहुत अच्छी ला सकता है ये वाला पेपर। तो साइंस और टेक जो सर की क्लास आने वाली है, बहुत अच्छे से इसको करना, ये आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो सकता है, है ना। साइंस टेक नाम से डरना मत, टेक पूरा का पूरा जीके है जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, और जो साइंस वाला है वो जनरल साइंस है, कोई बहुत टिपिकल आपको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, है ना। न्यूमेरिकल आता भी है तो कोई एकाध आ सकता है, बाकी नॉर्मली अब न्यूमेरिकल नहीं आया था पिछली बार, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, एथिक्स वाला विषय है, तो यहाँ पर 2 नंबर कितने सवाल, 5, 5 नंबर के 5, और ये एक फिक्स पैटर्न लिखा है, इसमें कोई अलग अलग वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड का में वर्ल्ड है राजस्थान इस तरह से बांटने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए सीधा सीधा पैटर्न है कि 2 नंबर के 5 सवाल, 5 नंबर के 5 सवाल और 10 नंबर के टोटल कितने नंबर की हो गई। इसमें भी ये कंसेप्ट बेस है, आपके कंसेप्ट अगर दिमाग में क्लियर हो गए तो एथिक्स में कोई फिक्स सवाल नहीं होते, कुछ भी पूछा जा सकता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कैसा विषय है, कंसेप्चुअल विषय है, आपको ये हो सकता है कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो फिर कोई सा भी सवाल पूछो आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी जो है थोड़ा समझने वाला विषय, रटने वाला विषय भी है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीधी सीधी रटनी पड़ेगी और करंट से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इस बार के सवाल काफ़ी करंट अपडेट वाले सवाल आए थे, ठीक है, कोविड से पूछा गया था, RT-PCR से पूछा गया था सवाल, है ना, OTT प्लेटफॉर्म से पूछा गया, जो नए टॉपिक्स जुड़े थे, तो ये बिल्कुल करंट बेस्ड थे, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। मैंने 44 और 31 भी लिखा, ये क्या है, देखो ये भी एनालिसिस है, मैंने पूरे पेपर में ये भी एनालिसिस किया कि साइंस प्योर साइंस से कितने सवाल आए थे और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से कितने आए थे, ये भी एक एनालिसिस का पार्ट। आप कुछ सीख भी रहे हैं क्या मुझसे, या बस मैं बता रहा हूँ उसी से, ये एनालिसिस आप करके जाएंगे, इस तरह का एनालिसिस आप करके जाएंगे तो आप दूसरों से ऑटोमेटिक आगे निकल जाएंगे, बिना एनालिसिस के जाएंगे अगर आप तो ये आपका कमज़ोर है। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, आपको अंदर लेवल तक जब जाएंगे तो और ज़्यादा एनालिसिस करके इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे इतना बड़ा पेपर, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, आपने पूरी इतनी बड़ी पॉलिटी पढ़ी, इतनी बड़ी साइंस पढ़ी, आपको लगा ये 4 सवाल तो कुल ही आए थे, और वो 4 इतना बड़ा मैटर पढ़ोगे उसमें से 4 पेज में से सवाल ही आने वाले हैं। ये जो पूरे पेपर में सवाल आएंगे, मुश्किल से जो आपने एक विषय के लिए 500 पेज पढ़े हैं ना, सवाल कितने पेज में से आने वाले, असली 4 पेज ही काम के हैं। आप देखोगे मैंने फालतू ही पढ़ा इतना सारा, सवाल कुछ आए नहीं, यही होता है, सवाल 4 पेज में से ही आने, 10 नंबर के सवाल आएंगे, 2-3 सवाल आएंगे वो 2 पेज में से आएंगे, और 2 पेज में 5 नंबर के 2 सवाल, सवाल कितने में से आने वाले, 4 या 5 पेज में से, पढ़ना कितना पड़ेगा,
500 पेज, ये आपका एनालिसिस आपको बताएगा कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ कम फोकस करना है, ठीक है। तो वही मैंने यही पैटर्न लिख दिया, 2 नंबर के 5 सवाल, 5 नंबर के 4, और 10 नंबर के इसमें 4 सवाल आते हैं। अब 4 सवाल भले ही लिखे हैं लेकिन इसमें भी 2-2 नंबर में बांट लेते हैं, 3 पार्ट में आ जाते हैं। 10 नंबर का एक सवाल है लेकिन उसको 3 पार्ट में बांट लिया गया है। मैंने जो बुक दी है ना, बुक में मैंने 2021 का पेपर लगाया, एक तो पहले देखा होगा 2021 का पेपर है, और पीछे ये हमारी टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज इस पेपर के बाद नहीं ली गई, इस पेपर के लिए ली गई, पहले ली गई है। आप देखना बहुत सारे सवाल सीधे सीधे मिलेंगे, बहुत सारे सवाल हमारी टेस्ट सीरीज में से सीधे सीधे आए हैं, है ना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये जो पेपर है, जैसे लास्ट का जो 21वां पेपर है वो हमने बहुत लास्ट में बनाया था, उसमें देखना कृत्रिम मधुरक वाला साइंस में सवाल आया था, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा सवाल पूछा जा सकता, वो उस टेस्ट सीरीज में दे रखा है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो टेस्ट सीरीज से सीधे सीधे आए, कुछ इनडायरेक्टली आए। आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये टेस्ट सीरीज को देखे गया होगा तो उसको कितना फ़ायदा हुआ होगा, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो बुक है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो राइटिंग स्किल होती कैसी है, राइटिंग स्किल कैसे करना है, कम शब्दों में हमें कैसे लिखना, टू द पॉइंट कैसे लिखना, सारा का सारा यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यहाँ आज कोई ऐसा है जो टाइम पास करने के लिए आया है? यहाँ पर कोई ऐसा है आज जो टाइम पास करने के लिए आया है कि चल लेते हैं फ्री है, है ना। मुझे एक दो यहाँ पर दिख रहे हैं कि बस ऐसे ही देख रही है, गुब्बारे कितने हैं, वाइट वाले कितने हैं, हरे वाले कितने हैं, और ये कैसे वाले कितने हैं, कौन कौन गिन रहा है, सब यहाँ पर हैं? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि यार आ रहे इसमें नंबर आएगा कि नहीं आएगा, अपने तो कोई दूसरा देखते हैं या फिर कुछ है? सब आरएस बनने के लिए आए हैं? हाँ, कौन बोला ये तेज आवाज में, कौन बोला? ये सबसे एक्टिव हैं, जब से पहले क्लास में आए ना, ये मतलब इनकी एनर्जी से बाकी लोग जगे हुए हैं कहीं। तो 44 और 31 नंबर क्लियर हो गया। ये पैटर्न भी फिक्स नहीं है, 31 और 44 भी हो सकता है, टेक से ज़्यादा सवाल भी आ सकते हैं। ये वाला है, ये वाला कोई फिक्स नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर सारा ही फिक्स कर देंगे फिर आपकी तैयारी में क्या रहा, ठीक है। भूगोल में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, हर सवाल में मैप डायग्राम बनाने की पॉसिबिलिटी है, हर सवाल में बनाया जा सकता है, इसलिए अच्छे नंबर दिला सकता है। पिछली बार 2016 का दिया था, एक में भी एक या कोई सवाल होगा जिसमें मैप बनाए, प्रैक्टिस भी नहीं थी, पता भी नहीं था भी ये मैप बनाना ज़रूरी होता है। भूगोल पूरा दिखाने वाला विषय था, दिखा वहाँ पर मैप बना कर दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है ये। तो ये पेपर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है। 2 नंबर के कितने सवाल इसमें? 2-5 नंबर के। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, टोटल कितने नंबर के सवाल आए? भारत के भूगोल से कितने आए? केवल 9 नंबर के। और राजस्थान के भूगोल से कैसे आए? इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये 32 नंबर यहाँ पर भी आ सकता है, ये 24 नंबर यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ से 9 नंबर के भी आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। मैं सिर्फ 2021 की बात कर रहा हूँ, क्लियर हो गया। आप ये नहीं सोचे कि भारत की ज्योग्राफी क्यों पढ़े, पूरा चेंज हो सकता है, पूरा 32 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है। शायद 2016 में आप देखेंगे भारत की ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल है। एक सवाल इधर 10 नंबर का सवाल देखो, यहाँ पर क्या 10 नंबर के 2 पूछ ले गया और यहाँ क्या हुआ? 0, एक भी नहीं पूछा गया। ऐसा हो सकता है कि 2 सवाल 10 नंबर के इससे पूछ ले तो पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा, इसलिए कोई भी फिक्स नहीं है, इसको आप फिक्स पैटर्न मान के नहीं चलना है, क्लियर है। और लास्ट देखो, ये पेपर थर्ड पॉलिटी आईआर कितने नंबर का है? ये मैं एक नॉर्मल ट्रेंड देख रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी का मास्टर हूँ, लेकिन इसमें सबसे कम नंबर आए मेरे, इसी एक पेपर ने डुबो दिया। क्यों डुबाया? ऐसा नहीं था कि पेपर खराब गया, ये पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, उसके बावजूद भी नंबर नहीं आए। पेपर बहुत अच्छा गया था, इस पेपर ये थर्ड पेपर था, 100+ की मैं आशा कर रहा था कि 100+ मार्क्स आएंगे मेरे, और इस पेपर के बाद मैं अश्योर हो गया था कि इस बार रैंक अच्छी आने वाली, क्योंकि पेपर 4 में मेरी अच्छी कमांड थी, हिंदी अच्छी आती थी, इंग्लिश भी अच्छी थी। इस पेपर के बाद अश्योर हो गया, तो सेकंड पेपर में मेरा बहुत अच्छा गया था, थर्ड पेपर भी बहुत अच्छा चला गया, अब बाकी बचा कौन सा, फोर्थ पेपर ही बचा, वो तो अच्छा जाना ही था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि इसमें मुझे 200 में से कितने मार्क्स दिए गए? 69। जिस पेपर को मैं 100+ का मान के चल रहा था उसमें नंबर कितना आए? 30 नंबर का सीधा सीधा गैप मेरे अनुमान से यहाँ पर कम रहेगा, और 30 नंबर से होता क्या है, बाहर हो जाते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ था। अब मैं आगे एक दो कहानी और बताऊंगा, इसमें बहुत सारे रिसर्च करके आया हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें और बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगी, यहाँ तक क्लियर है सबके? पॉलिटी आईआर की बात करें, वर्ल्ड का मतलब ये जो मैंने विश्व लिखा ना, ये आईआर ही पूरा, आईआर का मतलब समझ में पता है सबको? इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैसे उसको सिलेबस में विश्व राजनीति लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? विश्व राजनीति। मैंने उसको आईआर नॉर्मली भाषा में बोला जाता है, मैंने आईआर ही लिख दिया। राज्य व्यवस्था, जिसमें भारत की राज्य व्यवस्था भी है और राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी है, और विश्व का मतलब है, यहाँ पर मैं आईआर की बात कर रहा हूँ। आईआर से कितने सवाल आए, कितने नंबर के सवाल आए इस बार? 21 नंबर के।
इंडियन पॉलिटी से कितने आए हैं और राजस्थान की पॉलिटी से? नॉर्मल यही रहता है, राजस्थान की पॉलिटी से कम ही आता है, यहाँ से ज़्यादा आता है। और इसका पैटर्न लगभग लगभग फिक्स चल रहा है, इसका जो पैटर्न है वो लगभग लगभग हमेशा यही रह रहा है। राजस्थान पॉलिटी से हमेशा सबसे कम आते हैं, छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा है भी नहीं सिलेबस में, यहाँ से ज़्यादा आएगा और यहाँ थोड़ा मीडियम लेवल का आएगा। क्लियर है? लोक प्रशासन में बांटने जैसा कुछ था नहीं, तो मैंने सीधे 2 नंबर के 5 सवाल, 5 नंबर के 5 और 10 नंबर के 3, 65 नंबर की लोक प्रशासन आता है। लोक प्रशासन का आधा पोर्शन जो है वो पॉलिटी वाला ही है। जब आप पीछे वाला देखोगे तो पूरा पूरा जो प्रशासन है वो पूरा आपको संसद के बारे में भी वहाँ पर जानने को मिलेगा, राज्य की राजनीति जो है विधानसभा उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिला कलेक्टर पटवारी, ये लगभग लगभग जो आधी लोक प्रशासन है वो क्या है, जो आप नॉर्मल पॉलिटी पढ़ते उसी का पार्ट है। तो वो आपके लिए आधी आसान हो जाएगी, आधी जो है वो आपके ये सारे के सारे बहुत प्योर प्रशासन व जो सिद्धांत है वो पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप उसको कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 65 नंबर का ये आने वाला है। बाकी ये कौन से हैं? 20-20 नंबर के पार्ट है खेल और योग, जो इस बार नया जोड़ा, ये इजी पार्ट है। व्यवहार भी साइकोलॉजी जो आती है वो भी इजी पार्ट है ये भी। और ये जो विधि है ये थोड़ा सा आपको समझने मुश्किल हो सकती है, पर ये रट लोगे तो ये भी काम हो जाएगा। ठीक है, ये रटने वाला पार्ट है थोड़ा सा, यहाँ पर भी अच्छे टीचर आपको पढ़ाएंगे और वो आपको विधि बहुत अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, 20 नंबर का ये टोटल कितने नंबर का आता है? 60 मार्क्स का। और लास्ट में ये सबसे है ना, यहीं से मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, मतलब इनको तो भगवान मानकर चलना है। ये सिलेक्शन कौन सा दिलाएगा? भगवान मान के का मतलब है कि इसको पूरी की पूरी वैल्यू देनी है, इस पेपर को भी वैल्यू देनी है, सबसे ज़्यादा देनी है। नंबर यही दिलाएगा, सिलेक्शन यही दिलाएगा, रैंक यही बनवाएगा। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना व्याकरण, मैंने बताया कि 400 नंबर वाला, 400+ वाला तो टॉप रैंक में आ जाता है। ठीक है, टॉप लिस्ट में आ जाता है, टॉप 50 में नंबर आ जाएगा, यानी 50%, 800 में से 400 नंबर यानी 50% मार्क्स वाला तो क्या हो रहा है, टॉपर की लिस्ट में आ रहा है। तो नॉर्मली यही रहता है कि 50% मार्क्स ही मिलते हैं लगभग हर सवाल में, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है 50 नंबर का सीधा सीधा, यहाँ ऐसा है कि पूरे में से पूरे मार्क्स भी लोग लेकर आ रहे हैं, 50 में से 48, 47, 45 नंबर भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। 45 नंबर का मतलब कितने परसेंट? 90% मार्क्स, 50% वाला टॉप करा, लेकिन ये ऐसा पोर्शन है जिसमें 90% मार्क्स तक भी लाया जा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हिंदी के देखो नियम वियम कई बार काम नहीं आते हैं, आप हिंदी के भी नियम पढ़ोगे तो हर जगह अपवाद भी आएंगे, और यहाँ पर ज़्यादातर सवाल अपवाद से ही पूछे जाते हैं, तो नियम तो लागू नहीं होंगे। नियम हिंदी में संधि के नियम, समास के नियम याद कर लेंगे तो उससे काम हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो अपवाद के होंगे, काम नहीं करेंगे। क्या करना है, सीधे सीधे सारे के सारे शब्द रट लेने हैं आपको। क्या करना है, पूरी की पूरी हिंदी को अच्छे से जितने भी शब्द रट सकते हैं सारे के सारे शब्द। विलोम शब्द क्या है, रटने का काम है कि समझने का कोई रूल लागू होगा। पर्यायवाची क्या है, है ना, ये सारे क्या, युग्म शब्द क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, ये सारे रटने पड़ेंगे। और जिसकी थोड़ी सी हिंदी अच्छी होती है उनको आसानी से याद भी हो जाते हैं, रट लेते हैं, है ना। मेरी हिंदी अच्छी रही हमेशा, मैंने बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ी तो वहाँ हर तरह के शब्द पढ़े हुए थे, तो मुझे न पर्यायवाची में दिक्कत आई है, न वाक्यांश के लिए एक शब्द में कहीं दिक्कत नहीं आई है। लेकिन मैं आपकी ये हिंदी पढ़ाई कोई अलग टीचर, लेकिन मैं हिंदी का तरीका बताऊंगा कि हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं आप। ठीक है, व्याकरण 50 नंबर की आती है, लेखन, व्याकरण अगर अच्छी नहीं गई तो लेखन में कितना अच्छा लिख लेना, लेखन में फिर वो बिना पढ़े ही आपको नंबर देंगे। व्याकरण आपकी अच्छी कर ली 50 में से 45, यहाँ पर भी आप मान के चलो 50 में से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। हर लेखन में जो आप पत्र लिखेंगे, लेखन का मतलब जहाँ पर लिखने वाला पार्ट आता है वहाँ पर पत्र आएगा, पल्लवन आएंगे। ठीक है, वहाँ पर अगर व्याकरण अच्छी है तो टीचर का माइंड सेट क्या बन जाएगा, हिंदी बहुत अच्छी है। लेखन में लेटर में आपको 6-7 नंबर तक मिल सकते हैं, जिनके 148 नंबर आने उनको 8 नंबर भी यहाँ पर दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ अगर अच्छी गई तो यहाँ पर भी नंबर अच्छे मिलेंगे, ये खराब गई आपके और यहाँ पर अच्छा भी लिखा तो यहाँ पर भी नंबर कम मिलने वाले हैं। ठीक है, राइटिंग का, राइटिंग वाले ऐसे कौन है जिनको लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी है, हाथ खड़े करना एक बार, जिनकी राइटिंग अच्छी है, ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना, तो 4 लोग 5 लोग हाथ खड़े करें। अच्छा, ऐसे कितने लोग जिनको लगता है राइटिंग खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब की बात कर रहा हूँ, जिनको राइटिंग खराब है, बाकी लोग किसमें हैं, न ज़्यादा अच्छी है न ठीक ठाक, जिनकी राइटिंग है उनका काम चल जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की राइटिंग भी जरूरत नहीं है। जिनकी अच्छी है वो आपसे थोड़ा सा आगे हैं प्लस में, क्योंकि अच्छे नंबर मिलेंगे। जिनकी खराब है उनको बोल रहा हूँ उनको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, पूरे चारों पेपर में फ़र्क पड़ सकता है। राइटिंग का 200 में से 5 नंबर का फर्क पड़ जाता है, मान लो तो पड़ता है, आपने बहुत अच्छा लिखा है और दूसरे कैंडिडेट ने भी बहुत अच्छा लिखा है, आपके 5 नंबर कम आ सकते हैं अगर राइटिंग खराब है तो। ठीक है, 5 नंबर का अगर फर्क पड़ता है एक पेपर में, 4 पेपर में कितना पड़ जाएंगे, और 20 नंबर से कितना रैंक अंतर पड़ता है कोई बता सकता है? मेरे अगर 20 नंबर ज़्यादा हो तो मैं सीधा 300 रैंक आगे चला जाऊँगा, कितना, 300 रैंक का फर्क पड़ जाता है। जैसे जैसे आप पीछे चले जाएंगे
है ना, वहाँ 300 रैंक का अंतर आ रहा है। मैं अभी आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूँ, क्लियर हो गया। निबंध आता है 20 नंबर का। देखो निबंध, निबंध कोई बहुत मुश्किल नहीं है, चार टॉपिक आते हैं, चार में से एक आपको करना होता है। तो आपका अगर जीके वाला पोर्शन अच्छा है, राजस्थान, एक राजस्थान से आता है, एक निबंध जो आता है राजस्थान के बारे में पूछेंगे। आपने राजस्थान जीके थोड़ा अच्छा पढ़ रखा है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, तो आप निबंध भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा निबंध की शैली में लिखना होता है, थोड़ी शैली सीखनी होती है, राइटिंग स्किल सीखनी होती है निबंध की। बाकी निबंध में आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर भी गेन कर सकते हैं। ये पेपर हिंदी वाला जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आती है बारी इंग्लिश की। कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है? ज़्यादातर राजस्थान में ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है। और किन को है जिनकी इंग्लिश अच्छी है, एक बार वो हाथ खड़े करना जिनकी इंग्लिश अच्छी है। पांच लोग हाथ खड़े कर रहे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है। इंग्लिश अच्छी है, हिंदी, हिंदी भी अच्छी है, ठीक है, तो दोनों ही अच्छा करना है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है और हिंदी कमज़ोर है, वो हिंदी को बहुत अच्छा कर लेना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन हिंदी कमज़ोर हो जाती है, तो वापस वहीं आकर रुकते हैं, उल्टा कम नंबर पड़ जाएंगे। हिंदी को बहुत अच्छा कर लेना। देखो यहाँ पर ग्रामर बहुत लंबी चौड़ी है, 10 सवाल दिए, 10 टॉपिक से दे दिए, ठीक है, तो 10 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, 20 नंबर ही आता है। तो अधिकांश कैंडिडेट क्या करते हैं कि 10 टॉपिक पूरी ग्रामर पढ़ने पड़ेगी, और सवाल कितने नंबर के हैं? 20 नंबर। उसमें भी देखो ये 20 नंबर इस तरह से बैठे हुए, 10 ग्रामर के सवाल है और 10 नंबर वोकेबलरी से संबंधित आता है। और वोकेबलरी में भी RPSC ने इतना आसान बनाया कि दो ऑप्शन देते हैं कि ये सही है कि ये सही है, तो उनमें से थोड़ा तुक्का लगाते हैं, पाँच सवाल सही हो जाते हैं। तो कईयों को लगता है कि ये वाला पोर्शन तो छोड़ ही देते हैं, तुक्के पे जाते हैं। मैं गया था 2016 में, इसलिए कह रहा हूँ, है ना, ज़्यादातर गलत हो गए। दो में से एक चुनना था, ये चुन लिया, ये गलत हो गया। हर बार यही हो रहा था, ये चुना, मैंने जो चुने वही गलत हुए हैं, ठीक है। तो तुक्के के भरोसे भी नहीं जाना है, रीज़न बता रहा हूँ। आपको लगता है कि ये तो 20 नंबर का, हमें इस पर वर्क कर लेंगे, ये अगर खराब गया ना, पहले यही चेक होगा, ये अगर खराब गया तो इसका माइंड सेट बन जाएगा इसको इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी खराब है और आपका कंपोजिशन पार्ट भी खराब है, नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इसलिए इस पर वर्क करना है। इसमें देखो ये बहुत आसान है, ये वाला पोर्शन बहुत आसान है, थोड़ी सी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ये 10 नंबर का अगर आपके आसान क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे बाद में पता चला, 2018 का एग्जाम देने के बाद में गौर से देखा तो पता चला जिस सीक्वेंस में सिलेबस दे रखा था उसी सीक्वेंस में सवाल पूछे गए। सीक्वेंस पहले सिलेबस में दे रखा आर्टिकल, तो पहला सवाल किससे संबंधित था, फिर प्रीपोजिशन, दूसरा सवाल किससे था, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इसमें कहीं गलती है तो कहाँ पर है, प्रीपोजिशन में, हम टेंस में गलती ढूंढ रहे जबकि गलती कहाँ पर थी। और RPSC मतलब इतना मजाक जैसा लगता है कि जैसा सिलेबस है उसी पैटर्न में दे रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिक पकड़ने की जरूरत थी, जिसको ट्रिक पकड़ में आ गई ना उसको सारा पकड़ में आ गया कि इसमें तो पैसिव में ही गलती हो सकती है, टेंस में गलती ढूंढने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल में गलती ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जब ये पता चल जाता ना तो पकड़ में आ जाता है। तो 10 नंबर का ये पकड़ में आ गया ना, तो आगे तो 10 में से वो ऑप्शन है, और जिसकी थोड़ी बहुत अच्छी से पड़ी हुई है वो ऑप्शन वहाँ से हो सकता है। ये अगर आपके अच्छा आ गया, आपको कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन में ये लेखन वाला पार्ट है ना, आपको इसमें वो जो पैराग्राफ आता है वो लिखना पड़ेगा, लेटर आता है वो लिखना पड़ेगा, इसमें पैसेज वगैरह आता है, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है। सिलेबस तो देख लिया सभी ने, ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है जिसमें ट्रांसलेशन और पैसेज ये आते हैं, यहाँ पर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए ग्रामर को अच्छा करना जरूरी है, ग्रामर को छोड़ना नहीं। ये गलती मैंने 2016 में की, ग्रामर को छोड़ दिया। ग्रामर को छोड़ने से फिर ऑटोमेटिक आगे नंबर कम हो जाएंगे आपके। और कंपोजिशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंपोजिशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 नंबर का आता है, मेरे इस बार 115 आए थे और मैंने टारगेट भी इतना ही लगाए थे, 120 का टारगेट लेकर चला गया था मुझे, क्योंकि 120 130 तो हाईएस्ट आते थे, इस बार 148 आगे खुली भी इतने लोग, इतने नंबर भी मिल जाते हैं, है ना। अभी मैं ये क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया चारों पेपर, थोड़ा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मुझे चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी है। कल मैंने ये बताने के बाद आपको कट ऑफ बताइए, कट ऑफ इसलिए क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का था, यहाँ मैं कट ऑफ बताऊंगा वो कट ऑफ कोई काम नहीं आने वाली है। कट ऑफ के आसपास नंबर आते हैं, कट ऑफ कितनी, पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी, 344 रही थी जनरल मेल कैंडिडेट की, वो सबसे हाईएस्ट थी। इस बार की कट ऑफ अभी आने वाली, अभी तक आई नहीं है, आएगी तब उस पर डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं है, कट ऑफ के आसपास नंबर आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दो साल तीन साल की मेहनत वेस्ट जाएगी। हमें किसका टारगेट रखना है, टॉपर कौन आए उस पर ध्यान रखना। ये सारे टॉपर्स की लिस्ट है, टॉप 10 2018 की बता रहा हूँ, नाम सुने होंगे सबके, है ना। फर्स्ट रैंक किसकी आई थी, मुक्ता राव मैडम की आई थी, यहाँ पर फर्स्ट रैंक उनकी है। मेंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर थे। पिछली बार जो भवानी सिंह जी चारण थे उनके 423 यही थे, 423 नंबर थे, वो टॉप किए थे, ठीक है। इनके कितने नंबर आए थे इस बार, इस बार लग रहा था कि नंबर कम रहेंगे मेंस में, लेकिन ज़्यादा गई, पहले से ज़्यादा गया था ये, 449 नंबर इनके आए थे। और इंटरव्यू में मनमोहन जी थे, थोड़ा सा नाम मिस्टेक हो रहा है, मनमोहन जी थे 442.25, कभी बुलाएंगे अच्छे
इनकी इकोनॉमिक्स वाली बुक मैंने पिछली बार सजेस्ट भी की, इकोनॉमी वाली बुक इन्होंने लिख रखी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मनमोहन जी इनके 442 पॉइंट, इस बार आरपीएस ने 0.25 तक के मार्क्स भी दिए थे, पहले तो 0.5 तक मिलते थे, इस बार 0.25 तक लेके गए। कई कैंडिडेट तो इनसे 0.25 की वजह से भी बाहर हुए जो किनारे पे रहते हैं। तो ये मार्क्स थे इंटरव्यू में, 80 मार्क्स मिले टोटल ये बने, ठीक है। फिर शिवाक्षी जी थे ये तीसरी रैंक, निखिल कुमार, वर्षा शर्मा, यशवंत मीणा, ये पूरी लिस्ट आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सब ये जो टेंथ रैंक पे रहे 449 और 426, कितने नंबर का 23 नंबर का अंतर आ रहा है, 10 रैंक में 23 नंबर का। शुरू में गैप बहुत रहता है, फर्स्ट रैंक से 10वीं रैंक आने में भी कितने नंबर का अंतर, मेंस की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो 8 और 26, यहाँ पर इंटरव्यू की वजह से थोड़ा सा कम अंतर है, बाकी मेंस में देखो यहाँ पर 23 नंबर का अंतर आ रहा है। 23 नंबर के अंतर में जैसे जैसे पीछे जाएंगे 23 नंबर में तो आप 300 रैंक पीछे चले जाएंगे, यहाँ सिर्फ कितना फर्क पड़ रहा है, यह इतना ही फर्क रहता है। ये टॉप 10 है। अब मैं आपको एक एक की मार्कशीट बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, दो तीन लोगों की उनकी मार्कशीट बता रहा हूँ, उस मार्कशीट से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप रिसर्च देख रहे हैं मेरी, है ना, ये सारी बहुत अच्छी रिसर्च है, इससे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगी। मैंने टॉपर की लिस्ट इसलिए सामने रखी क्योंकि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला टारगेट आपका होना चाहिए। इस टारगेट को लेकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, कट ऑफ का टारगेट लेकर चले कुछ नहीं होने वाला है। कट ऑफ से आपको पता चला 2 नंबर पीछे रह गए, कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। ये देखो ये पहली किसकी मार्कशीट है, मुक्ताराव मैडम की, ठीक है। यहाँ से सीखने वाली चीज़ जो मैंने आपको बताया, पेपर फर्स्ट में कितने नंबर है, 101 नंबर थे इनके, ठीक है। जिनका जिनको सिलेक्शन चाहिए चारों पेपर में 100 प्लस का टारगेट तो होना ही चाहिए, 100 से कम रहने पर सिलेक्शन अभी बताऊंगा, तो अभी आगे वो भी मार्कशीट आने वाली है। 101 नंबर यहाँ पर फ़र्क किससे पड़ा, देखो सारा एक नंबर में बहुत ज़्यादा गैप आया ना, हालांकि अगर यहाँ पर भी 102 104 होता तो सिलेक्शन हो जाता, एसडीएम की पोस्ट भी संभव थी कि मिल जाती, क्योंकि 100 प्लस सारे पेपर में कर लिए, 400 प्लस तो वैसे ही हो गए। फिर इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर, 77 मार्क्स, ये मतलब 77 एक अच्छे मार्क्स, 75 अच्छे मार्क्स में आते हैं, अगर आपको 75 मार्क्स मिल रहे हैं वो अच्छे हैं, 75 प्लस आते बहुत अच्छे में आ जाते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, 526 आ रहे हैं। पेपर फोर्थ का बहुत बड़ा रोल, अगर 138 कई लोगों के 80-85 नंबर भी आएगा, 85 नंबर आते तो कितने रैंक पीछे चले जाते हैं, है ना। तो ये टारगेट रख के चलना है, हर पेपर में टारगेट क्या होना चाहिए, 100 प्लस का टारगेट तो होना ही चाहिए। ये हमारा एक दोस्त है, बुलाएंगे इनको, हनुमाना इस बार आने वाले भी थे सेमिनार में, लेकिन अभी एसडीएम है, पहले असिस्टेंट कलेक्टर की चार्ज था और एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया उनको 2 दिन पहले, एसडीएम का एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया, इसलिए फिर एसडीएम छोड़ नहीं सकते बिना अनुमति के, उनको मुख्यालय छोड़ने की अनुमति इतनी आसानी से मिलती नहीं है। फिर भी किसी टाइम इनको बुलाएंगे, अच्छे दोस्त हैं हमारे। इनके देखो इनके क्या लग रहा है, किसी पेपर में ज़्यादा नंबर लग रहे हैं क्या आपको, है ना। इनके इनका देखो यहाँ 103 104 105 104 इनका ये रहा कि चारों पेपर में बराबर नंबर आए हैं, लगभग सभी में बराबर है। ऐसा नहीं कि इनमें लगभग चारों में बराबर मेहनत की है, चारों में नंबर बराबर लाने के लिए इस पेपर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस पेपर में बहुत मेहनत करनी, इनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब इसमें 103 आसानी से मिलते नहीं है, इसमें 105 थर्ड पेपर में इतना आसानी से मिलते नहीं है, है ना। पेपर अच्छा गया और यहाँ पर 418 इंटरव्यू में कितने नंबर मिले, 72 मार्क्स मिले, बाड़मेर से हैं, और जैसी स्टोरी लगभग देराज राम जी की थी वही बाड़मेरी वाली कहानी इनके भी पूरी की पूरी वैसी की वैसी कहानी है, ठीक है। हालांकि ये नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, हैं, हाँ अभी नागौर में लगे हुए हैं इधर। ये रैंक 24 किसकी, पद्मा जी की, है ना, जो हाईएस्ट मार्क्स गेन की है किसमें। अब इनके मार्क्स देखिए आप, पेपर फर्स्ट में कितना है, 84, है ना। मैंने बताया कि 100 से कम होते ही चांस कम हो जाते हैं, चांस कम हो रहे हैं यहाँ पर, देखो 84 मार्क्स। सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स हैं, 100 के करीब पहुँच गया ना, अच्छे मार्क्स हैं, 98 मार्क्स। थर्ड पेपर में वापस क्या हुआ, पेपर फर्स्ट पेपर थर्ड में दिक्कत रहेगी, पेपर फर्स्ट पेपर थर्ड में इतने आसानी से नंबर नहीं मिलते हैं, पेपर सेकंड में पेपर फोर्थ में लाए जा सकते हैं। तो इसको जिसमें अच्छे से, हम क्या करते हैं कि जिसमें आसानी से नंबर आ सकते हैं उसको आसान मानकर इग्नोर करते हैं, और सारी की सारी मेहनत किन पे करते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, ये मुश्किल है, इस पे कितनी ही मेहनत कर लो नंबर निकालने बहुत मुश्किल है। तो जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको बहुत मजबूत बनाना है। एक पेपर कितने नंबर आए, सबको पीछे छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर इनसे बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन एक पेपर में अगर किसी के 100 आ रहे हैं इधर, यहाँ पर उनके 104 नंबर आ रहे हैं, 44 नंबर ज़्यादा है, कितने नंबर ज़्यादा है, 44 मार्क्स। 44 मार्क्स में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना, इंटरव्यू में 70 और टोटल नंबर कितने बने, 490। ये मेरी दिख रही है आपको,
है ना, एक ये भी लगे, ये तो सारे टॉपर्स थे, ये मेरी मार्कशीट लगे, मैं बताना नहीं चाह रहा था पर बताना ज़रूरी भी था, मेरी बताकर क्या करूँगा, डीमोटिवेट होंगे आप, पर बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने मेरी भी लगा दी। फर्स्ट पेपर मेरा बिगड़ गया था, नंबर कितना आए मैं आपको और दो तीन चीज़ें और बताता हूँ। आरपीएससी जब आरएस में जाते हैं तो इस चीज़ों के लिए तैयार रहना है, ऐसे फैक्टर भी आते हैं, काम करते हैं। फर्स्ट पेपर मेरे 88 मार्क्स आए थे, यहाँ से लगभग लगभग बराबर ही है मैं तुलना कर रहा हूँ तो यहाँ से बराबर ही है। सेकंड पेपर मेरे कितने आए थे, 94 मार्क्स आए, और दुर्भाग्य इस बात का रहा जब कॉपी मंगवाई थी, मुझे विश्वास नहीं था कॉपी मंगवाई थी तो यहाँ पर 30 नंबर के सवाल चेक ही नहीं है, कितने नंबर के। आरपीएससी जैसी बड़ी संस्था में भी ऐसी गलतियाँ होती है ना, ये अच्छा नहीं है, ये एक तरह से जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ एक करेगा कि इस लेवल पर आकर आप ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, है ना। मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल रही थी, सबके लिए मुश्किल रही थी, जब आप एक बहुत अच्छी रैंक की आशा करते हैं और किसी और की गलती की वजह से। और हालांकि मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, पिछली बार आपको पता होगा 2016 में जो असल में पूरे ऑल राजस्थान टॉपर थे उनको आरपीएससी ने फेल कर दिया, किसी को पता है क्या, ऑल राजस्थान टॉपर है ना शैलेश खेरवा जी, सेकेंड ए रैंक दी गई बाद में उनको, उनको आरपीएससी ने फेल कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है उसका बताऊंगा कभी कहानी। ऑल राजस्थान टॉपर को आरपीएससी की गलती ने 92 मार्क्स आए थे उल्टा लिख दिया 29, बाहर हो गए सीधा, मेंस में ही फेल हो गए। जब वापस उन्होंने करवाया सब कुछ किया तो ऑल राजस्थान टॉपर से 1 नंबर ज़्यादा निकले, वो कहानी अनऑफिशियली शेयर करूंगा, ये सारा ऑनलाइन चल रहा है, कुछ चीज़ें ऑफिशियली नहीं बोल सकता वो भी सरकार में रहते हुए है ना, तो ये चीज़ें मैं कई चीज़ें ऑफिशियली नहीं बोल पाऊंगा, अनऑफिशियली आपको बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगा मैं। जो सारी प्रॉब्लम हुई वो कहाँ हुई, इसमें मेरे देखो ये 94 मार्क्स आए, 30 नंबर के सवाल चेक नहीं है, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, 4-5-6 लोग, ऐसे में अकेला नहीं था, 5-7 लोग हमारे साथ और थे, एक तो एसडीएम बन गया, अभी लगभग उनको इनपुट मिल गया है, एसडीएम बन गया है वो, अभी आरटीएस है तहसीलदार, 47 नंबर के सवाल चेक नहीं थे, कितने 47, बहुत बड़ा होता है, 47 के सवाल चेक नहीं थे, चेक हो गया है, उनके नंबर बढ़ गए हैं और एसडीएम बन गए हैं, है ना। मेरे यहाँ भी बढ़ने वाले हैं, मुझे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चले, नंबर बढ़ने मुझे 10 से 12 नंबर की संभावना है, मैं सीधा 200 रैंक की जंप ले रहा हूँ अभी, ठीक है, लगभग इतना मुझे आइडिया है। मुझे जब रिजल्ट आते रैंक पता चली तो मुझे ये जब रिजल्ट नहीं आया था और रैंक पता चली तो मुझे लगा कि मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था, फर्स्ट पेपर में नंबर बहुत कम आए होंगे, लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो लगा फर्स्ट पेपर में तो मेरी आशा से थोड़े से ज़्यादा ही नंबर है, 5-7 नंबर ज़्यादा ही है, पेपर कौन सा बिगड़ा, जो मेरा सबसे अच्छा मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटी, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पर हालांकि ये मत सोचना है ये खुद के 69 नंबर आए हमारे 100+ कैसे दिलाएंगे, दिला दूंगा मैं, आरपीएससी बहुत सारे फैक्टर पर काम करती है ना, मैं ये भी बता रहा हूँ, देखो इतना सारा चीज़ें बता रहा हूँ, ये हकीकत है, कड़वी हकीकत है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स तो ऐसा भी काम करते हैं मैं ऑफिशियली नहीं बता सकता, ठीक है, पर वो फैक्टर काम करते हैं। यहाँ कितने नंबर आए, मुझे लगा कि मेरे फर्स्ट पेपर में गड़बड़ हुआ, लेकिन फर्स्ट पेपर में नहीं था, जब रिजल्ट देखा तो किसमें प्रॉब्लम थी, 69 मार्क्स से आए, मुझे लगा कि इसमें मेरे भी कहीं उल्टा तो नहीं हो गया है ना, 69 का उल्टा कर दिया हो, मुझे मुझे पता था कि हाँ कॉपी में कुछ ना कुछ इश्यू हुआ है, कॉपी मंगाऊंगा देखूंगा तब पता चलेगा, ठीक है। इवोल्यूशन का आपको पता है कि इवोल्यूशन का चांस देते हैं वापस, मार्क्स का रीइवेल्युएट मार्क्स होते हैं, मैंने वो भी नहीं करवाया, मुझे डर था, ये चीज़ मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए, मुझे डर था आरपीएससी को लेकर कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, पता चले कि मिस मिस है, इधर इधर उधर नहीं करता, मैंने वो इवेल्युएट मैं सीधी कॉपी मंगवाऊंगा, कॉपी मंगवाई, कॉपी मंगवाई तो पता चला इस पेपर में तो कोई इशू मतलब ऐसा नहीं था कि किसी में मार्क्स नहीं दिया है, इसमें 30 नंबर के सवाल चेक भी नहीं थे, मतलब पहले सोचा था इसका फिर सोचा था इसका, लेकिन गलती किसमें निकली, इसमें निकली है ना, हमारे अनुमान से बिल्कुल बहुत सारे अलग, इसमें ये इशू था कि जहाँ मैं 5 नंबर 6 नंबर सोच रहा था वहाँ मुझे आधा नंबर दिया गया, 1/2 नंबर दिया गया, 1 नंबर दिया गया, समझ में नहीं आया कि जब इतना अच्छा आंसर लिखा किसी और से बहुत अच्छा आंसर लिखा उसके बावजूद भी 1.5 नंबर क्यों दिया गया, ऐसा हो सकता है कईयों के साथ, कईयों के साथ फर्स्ट पेपर में हुआ, कईयों के साथ थर्ड पेपर में हो सकता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी ये एक लक फैक्टर यहाँ पर रहता है कि 10 नंबर में से किसी को 3 सवाल है, दो 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 नंबर देके खत्म, किसी को 8-8 नंबर देके टॉप रैंक, ऐसा हो सकता है, अनप्रडिक्टेबल है बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी, ये भी आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा, लक फैक्टर बहुत काम करता है, पहले मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन हालांकि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप लक फैक्टर पर चलो, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत रखो, जब मेहनत होती है तो लक फैक्टर भी काम करता है, साथ में रहता है ना। बता रहे थे ना सेमिनार में, क्या बताया था, किसने बताया था, कोई बता सकते, ये किसने एग्जाम्पल किसने दिया था, मैंने नहीं दिया था, अम्बालाल जी ने दिया था रीजनिंग वाले ने, है ना,
पहले, या हिंदी वाले सर ने दिया था, हिंदी वाले सर ने दिया था, मैं भी बोल रहा हूँ हिंदी वाले सर ने दिया था, है ना। पहले क्या है, हमारी उंगलियाँ हैं, हमारी मेहनत है, किस्मत की लकीरें बाद में है, किस्मत बाद में काम करेगी, 1-2% काम कर सकती है, पहले आपकी ये जो आपका कर्म है वो काम करेगा, ये जिस पेन से लिखोगे ना आप, ये उंगलियाँ वो काम करेगी, ये चीज़ें बाद में। हिंदी में ठीक ठाक नंबर है, कितने नंबर है, हिंदी इंग्लिश जो दोनों हैं 115 ठीक थे, थोड़ा सा एफर्ट लगा के 120-125 नंबर तक। इस बार मेरा हिंदी का पेपर थोड़ा, इंग्लिश का अच्छा कर लिया था लेकिन हिंदी का पेपर थोड़ा सा बिगड़ा था, पिछली बार 82 मार्क्स आए थे, इस बार थोड़ा सा कम रहे, इस वजह से ये थोड़ा सा बढ़, पिछली बार मैं 107 थे, इस बार 115 नंबर बढ़े हैं, लेकिन थोड़ा और अच्छे हो सकते थे। और इंटरव्यू में भी ये ठीक मार्क्स है, मतलब बहुत कम भी नहीं कह सकते लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं कह सकते हैं। और दूसरा आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कम नंबर दिए गए, तो मैं संतुष्ट था, जितना मेरा परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से ये नंबर हैं, कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इतनी ही परफॉर्मेंस थी। और ओवरऑल मार्क्स कितने बने, 432, और मेरी रैंक कितनी आ रही है, 584। मेरे एक दोस्त है जिनके मेरे से 4 नंबर कम हैं, मेरे से 100 रैंक पीछे हैं, 4 नंबर पे कितने रैंक पीछे हैं, और एक दोस्त हैं जिनके 4 नंबर ज़्यादा, वो मेरे से 100 रैंक आगे भी हैं, जिनके मेरे से 9.5 नंबर ज़्यादा है, हमारे एक दोस्त है वो स्टेट सर्विस में है, मेरे से 200 रैंक आगे हैं, कितने हैं, लास्ट में इतना फ़र्क पड़ता है 9-10 नंबर से, यानी एक पेपर में आपके 3-3 नंबर का भी फर्क पड़ा, 12 नंबर का फर्क पड़ गया, तो कितने का फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो मैं जो आपको राइटिंग का बता रहा था वो यहाँ पर फर्क पड़ता है, मेरे अगर 10 से 10.5 नंबर 11 नंबर बनते हैं तो मैं लगभग 250 रैंक आगे चला जाऊँगा, 250-300 रैंक आगे चला जाऊँगा, स्टेट सर्विस में आ जाऊँगा। हालांकि मुझे नीड नहीं है, मैं तो बचना चाह रहा हूँ, मुझे अभी जो मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हूँ अभी, ठीक है, तो वहाँ मतलब मैं जैसे SDM है वो छुट्टियाँ लेना चाहे उसको मिलेगी क्या, तो एक चीज़ अच्छी है कि मैं कभी अगर छुट्टी लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर आसानी से मिल जाती है, मेडिकल आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट में बस 1-2 फायदे होते हैं कि आपको छुट्टी आसानी से मिल जाती है, आप अगले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकती है, लेकिन ये हकीकत बताता हूँ, 2-3 चीज़ें मेरा एनालिसिस बताता हूँ। देखो मेरा तो क्या, मुझे पढ़ाने में रुचि थी, मैं हमेशा पढ़ा ही रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये अच्छी होगी, लेकिन हमारे बाकी सारे सभी साथी बहुत कि कहाँ हमें इस डिपार्टमेंट में डाल दिया, कहाँ पर हम आगे, कोई काम ही नहीं है। वास्तविकता कुछ डिपार्टमेंट सबऑर्डिनेट के हैं जहाँ पर कोई काम ही नहीं है, तो आपकी इतनी मेहनत आपको कई बार बेकार लगती है, ठीक है। मेरे साथ अच्छा है कि मेरा टैलेंट वेस्ट नहीं हो रहा, मेरा टैलेंट इतने लोगों के लिए काम आ रहा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे मैं सरकार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, है ना, मेरा बोलने का राइट है मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ, इसमें मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है, मैं बोलूँगा। यहाँ पर 2 सर्विस हैं आपके लिए, एक तो है स्टेट सर्विस, मैं आपके मेरे बोलने से चेंज नहीं होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, आप सब लोगों के बोलने से, एक साथ बोलने से फ़र्क पड़ सकता है, मेरे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ सकता। हो सकता है कि मुझे कोई नोटिस मिल जाए, चार्जशीट मिल जाए, अभी ऑफिशियली आ गए, इधर होना था, इधर आ रहा हूँ, फालतू की बातें और बोल रहा हूँ सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं है, सुझाव है। 2 तरह की सर्विसेज हैं, कौन कौन सी, स्टेट सर्विस और सबऑर्डिनेट सर्विस, 2 है, मेरा सबऑर्डिनेट में है, आप जनरल कैंडिडेट हैं। अच्छा एक एनालिसिस और बताऊंगा मैं आपको, वो अब मैंने कहा आपकी अनुमति से कल पॉलिटी शुरू कर सकते हैं, या फिर एक एनालिसिस और है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, किस रैंक तक कौन सी पोस्ट मिल जाती है, किस कैटेगरी में, ये एक बहुत अच्छा है, इससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, वो कल बताइए, बाद में बताएं, कल बताएं उसको, कल क्योंकि लास्ट डेमो क्लासेस हैं, है ना। और आप चाहेंगे तो मैं पॉलिटी भी शुरू कर सकता हूँ, उसको कभी बाद में ले सकते हैं, आज नहीं बता सकते हैं, उसका मुझे पूरा एक बार पूरा रिसर्च करना पड़ेगा उस पर, मेरे पास सारी लिस्ट है, उस लिस्ट में बहुत एनालिसिस करके एक एक रैंक में लिखूंगा, कैटेगरी वाइज लिखूंगा, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। जैसे अगर जनरल मेल कैटेगरी से हैं तो 35 से 40 रैंक तक SDM मिलेगा, अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 700 रैंक तक भी आपको SDM की पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। विडो कैटेगरी को 1600-1700 रैंक पे भी SDM की पोस्ट मिल सकती है, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज फर्क पड़ता है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक आइडिया लग सके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, टाइम हो रहा है, स्टेट सर्विस और सबऑर्डिनेट में कितना अंतर होता है, सरकार की पॉलिसी में कितना गलत है यहाँ पर, ठीक है, ये सरकार की पॉलिसी में मिस्टेक्स हैं, इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबऑर्डिनेट सर्विस में आने के बाद मुझे यहाँ डिफरेंस पता चल रहा है। आप यहाँ पर चाहे स्टेट सर्विस में आपका सिलेक्शन हो चाहे सबऑर्डिनेट में हो, एग्ज़ाम दोनों को सेम ही देना है, वही प्री एग्ज़ाम देना है, वही मेंस एग्ज़ाम देना है और वही इंटरव्यू देना है आपको, ठीक है। किसी के 5 से 7 नंबर ज़्यादा है वो किस सर्विस में चले गए, किसी के 5 से 7 नंबर या 10 नंबर कमाए किस में चले गए, सबऑर्डिनेट सर्विस में चले जाएंगे। मैं डिफरेंस बताता हूँ, सबऑर्डिनेट सर्विस में जाने के बाद डिफरेंस पता चलता है, इनकी पावर में, इनकी पोस्ट में, इनकी प्रेस्टीज में, सैलरी में इतना ज़्यादा डिफरेंस रखा गया, मतलब स्टेट सर्विस SDM मिलता है ना, एक SDM
आप सब ऑर्डिनेट सर्विस में एक दो सर्विस निकाल दीजिए, तहसीलदार सर्विस को निकाल दीजिए, है ना, एक एक्साइज सर्विस है और एक दो सर्विस और उनको निकाल दीजिए, बाकी कोई भी सर्विस कोई काम की नहीं है, है ना। आपको यहाँ पर ऐसा हमारे जो साथी कहते हैं हमें आरएस एग्ज़ाम के माध्यम से फोर्थ ग्रेड बनाया गया है, है ना, फोर्थ ग्रेड जैसा महसूस होता है, वहाँ पर कोई काम ही नहीं है और कोई पावर भी नहीं है, बस एक गाड़ी मिल जाती है सरकारी गाड़ी, उसको लेकर खुश रहते हैं भाई गाड़ी मिल गई, बाकी कोई पावर या कोई ऐसा है नहीं कि वहाँ पर कुछ कर सकते, काम भी नहीं है और आपके पास बहुत कम काम रहता है। जब आप सभी को प्री एग्ज़ाम दिला रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम दिला रहे हैं, इंटरव्यू दिला रहे हैं, अब देखो मैं एक अंतर बताता हूँ, सबऑर्डिनेट में बहुत सारी पोस्ट हैं जिनका ग्रेड पे कितना है, लेवल 10, जो ग्रेड थर्ड टीचर होते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर का लेवल कितना होता है, लेवल 11 होता है, 4200 ग्रेड पे होता है लेवल 11, फर्स्ट ग्रेड का कितना होता है लेवल 12 और थर्ड ग्रेड टीचर का कितना होता है लेवल 10। जो थर्ड ग्रेड का टीचर का एग्ज़ाम होता है उसमें जब आप बनते हैं तो लेवल 10 की ही आपको पोस्ट मिलती है, और आरएएस में सेलेक्ट होने के बाद भी कितने की मिलेगी, लेवल 10 की। मैं बताता हूँ, अगर एक कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर आपका एग्ज़ाम दे रहा है, फर्स्ट ग्रेड टीचर ने ये एग्ज़ाम दिया, उसने भी प्री एग्ज़ाम लिखा, उसने भी मेंस एग्ज़ाम लिखा, इंटरव्यू लिखा, लेकिन 5 नंबर कम आ गए, सबऑर्डिनेट मिल गया, कौन सी मिलेगी, लेवल 10 की जॉब मिलेगी, वो ज्वाइन करेंगे क्या? ऑलरेडी लेवल 12 है, है ना, गेजेटेड ऑफिसर है ऑलरेडी, क्या वो लेवल 10 की ज्वाइन करेंगे? अधिकांश लोग छोड़ देते हैं। मुझे बताओ क्या उनका सरकार ने 3 साल का टाइम वेस्ट किया, आपने निकाला लेकिन आप लेवल 10 की आप यहाँ पर जॉब दे रहे हैं, सरकार ने उनका 3 साल वेस्ट किया है, और ऐसे कई लोगों का सरकार 3 साल का टाइम वेस्ट करती है, इनकी पॉलिसी में मिस्टेक है। जब आप इस लेवल का एग्जाम ले रहे हैं तो सबऑर्डिनेट हो चाहे स्टेट सर्विस हो, कोई भी पोस्ट लेवल 12 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको कम से कम लेवल 12 की पोस्ट तो मिलनी चाहिए ताकि वो सर्विस में जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सबऑर्डिनेट में वो जाना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं पसंद करते, उल्टा उनकी सैलरी कम हो जाएगी, पावर इतनी है नहीं, तो वो क्यों जाएंगे? इसका मुझे जो दो दिमाग में चीज़ें आती है, या तो कोई भी पोस्ट लेवल 12 से नीचे नहीं होनी चाहिए, या फिर यूपी में जैसा होता है स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम अलग से करवाओ या और सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम अलग से करवाओ, उस लेवल की अगर आपको पोस्ट देनी है तो केवल एक एग्ज़ाम से काम होना चाहिए, बस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दिलाओ और ये वाली पोस्ट दे दो, आपसे वही एग्ज़ाम दिलाएंगे, और कई बार तो आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी, यार मैं इनसे बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे बहुत अच्छे नंबर, सिर्फ इंटरव्यू में 10 नंबर कम की वजह से मैं सबऑर्डिनेट में बैठा हूँ, वो स्टेट सर्विस में बैठे हैं। कई बार ये लगेगा, ऐसा होता है, नाम नॉर्मल होता है, आपके दोस्त बैठेंगे, आपको लगा यार ये ऐसी कैटेगरी से थे, मैं था, मैं उनसे ज़्यादा नंबर भी लाके मैं तो सबऑर्डिनेट बन गया, वो रिजर्वेशन है, वो एक सिस्टम है, वो सब चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा हीन भाव, वो फ्रस्ट्रेशन में जिएगा पूरा पूरा। ये सरकार की पॉलिसी में खामी है, मेरे बोलने से चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन ये खामी है, ये आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसको चेंज करना पड़ेगा, लोग जब आएंगे सवाल उठाएंगे, और हो रहा है, चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, है ना, ये सारी चीज़ें चल रही है, इतना डिफरेंस भी आता है। तो मैं इतना बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है, मेहनत इतनी कर लेना कि स्टेट सर्विस मिल जाए, है ना, मेहनत इतनी कर लेना कि आपको स्टेट सर्विस मिल जाए, इसको चेंज होने में आपकी पीढ़ी तो निकल जाएगी, तो ठीक है, इतने आसानी से ये चेंजेस होते नहीं है। प्रशासनिक विकास, प्रशासन, प्रशासनिक विकास कितना ही पढ़ लो, वो धीमा ही चलता है सारा का सारा। इसलिए सबऑर्डिनेट के बारे में भी मत सोचना कि कहीं पर भी हो जाए, सेट हो जाए, नौकरी मिल जाएगी, स्टेट सर्विस मिलेगी तो आपको 3 साल सही रहेगा कि आपने मेहनत की वो मिलेगा, तो कोशिश करना। कौन सी पोस्ट, कल मैं ट्राई करूंगा कि पॉलिटिका एक टॉपिक ले लेते हैं, वो रैंक वाला कभी और करें डिस्कस, एक पॉलिटिका डेमो भी ले लेते हैं, है ना, जो डेमो में आ रहा है उनको पता चल जाएगा मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया सारा सीन, आज का बताने का मकसद आपको समझ में आ गया, मेंस एग्ज़ाम कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं वापस, थैंक यू।